नमस्कार, मैं श्रुति द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। एक यहाँ से मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे डेरा सच्चा सौदा के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरपाल कौर इंसा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बरनाला फरवाही से बिलोंग करती हूँ। कितने सालों से डेरा सच्चा सौदा में? हम 19-20 सालों से जुड़े हुए हैं डेरा सच्चा सौदा से। कभी कुछ गलत होते हुए आपने यहाँ पे देखा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसी सकती हूँ कि जब मैं डेरा सच्चा सौदा में होती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब कि सेफ फील होता है। अगर मैं घर में भी होती हूँ या फिर कहीं और जाती हूँ स्टडी के लिए, कॉलेज जाती हूँ, तो मुझे इतना सेफ फील नहीं होता जितना मुझे डेरा सच्चा सौदा में होता है। क्योंकि जहाँ पे गर्ल्स अलग होती है, मतलब कि लेडीज़ बहनों की अलग होती है, भाई जी अलग होते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लगता कि कोई भाई जी कुछ गलत बोल देंगे, कभी भी नहीं बोल सकते। और सतगुरु को तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो हमें प्रेरणा दी है इसके बारे में, सब कुछ सिखाया है कि अच्छा करो, पर जे ही दुनिया उन पर गलत आरोप लगा रही है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने बीए की हुई है, आगे मैंने डिप्लोमा किया है आर्ट एंड क्राफ्ट का। और आप इतने एजुकेटेड हैं, तो क्या रीज़न है आपका डेरा सच्चा सौदा में आने का? क्योंकि हमारा विश्वास है, हमें सब कुछ जो हम मांगते हैं हमें मिलता है, हमें बिन मांगे भी सब कुछ मिलता है। आज तक गुरुजी ने हमारी हर जगह पे, मतलब कि मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट होने वाला था तब भी उन्होंने उनकी रक्षा की है। मतलब कि आज तक हो ही नहीं सकता कि कोई हमें हमारे साथ चोट आनी होती है ना, जो मतलब कि कंकर में बदल देते हैं, पहाड़ को कंकर में बदल देते हैं, हमारा विश्वास क्यों नहीं होगा। मेरे पापा दारू पीते थे, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता था, तो उनसे हम 20 सालों से हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसके कारण? गुरुजी के कारण, क्योंकि गुरुजी ने हमें नाम शब्द दिया तभी हम खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए गुरुजी ने क्या कुछ किया? पौधे, पेड़ पौधे लगाते हैं हम। 15 अगस्त को इतनी दुनिया, सारे वर्ल्ड में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कोई एक पौधा नहीं लगाता, हम 10-10 पौधे लगाते हैं एक दिन में, एक इंसान लगाता है। फिर हम अगर गुरुजी ने यही प्रेरणा दी है, अपने जन्मदिन को मनाने हैं आप पौधा लगा कर कर सकते हैं। सफाइयाँ वहाँ अभियान भी करवाते हैं गुरुजी समय समय पर, दिल्ली में करवाया, अलग अलग जगह पे, बहुत जगह पे करवाए। और गर्ल्स के लिए पिताजी ने क्या कुछ किया, गुरुजी ने क्या कुछ किया है? गर्ल्स के लिए तो बहुत कुछ किया है, आज तक हम मतलब कि गिना नहीं सकते जितने कार्य गुरुजी ने करवाए हैं। भ्रूण हत्या भी रुकवाई है, वेश्याओं की शादी करवाई है, बड़े अच्छे घरानों में करवाई है, जो कि जो रोती थी बेचारी कि हम इस जंगल से कभी निकल नहीं सकते, हम जहाँ भी हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा हम जहाँ भी मर जाएंगे, बट गुरुजी ने उनकी पुकार सुनकर उनको अच्छे घरों में, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था सपनों में। और जो मूवीज़ हैं गुरुजी ने बनाई हैं, उसका क्या कारण है, क्यों बनाई हैं मूवीज़? वो लोगों को लगता है कि मूवीज़ हैं, बट वो रियलिटी है। दुनिया में आज जो कुछ हो रहा है, कोरोना हो रहा है, जब जो भी कुछ हो रहा है, बाहर से अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे पे अटैक हुआ, वो सारा कुछ फिल्मों में दिखाया गया है। जो जे समझते हैं ना भी फिल्में बना दी गुरुजी ने, तो फिल्में कोई ऐसी बात नहीं है कि फिल्में बना दी, उनका कोई मकसद है, देश को सुधारना है, सारे वर्ल्ड को सुधारना है, तभी फिल्में बनाई हैं। और जो आरोप गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? वो मतलब कि सारे ही झूठे हैं। हमारे गुरुजी को एक फंसाने की चाल थी, ठीक है, हमारे गुरुजी निर्दोष हैं और वो जल्दी दुनिया को पता चल जाएगा। और क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही अपील है कि वो सही पे गौर करें, जो सही है डेरा सच्चा सौदा में, जो सही है, जो वो टेस्ट करवाते हैं वो सही तरीके से करवाएं, अपनी देखरेख में करवाएं। उन पे सभी जगह पे क्या चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, जो हमारे गुरुजी ने फिल्मों में दिखा दिया, ठीक है। अगर वो चीज़ें रुक जाए ना तो देश, हमारा देश तो बहुत बाहरली कंट्रियों से भी आगे जाएगा। पिताजी ने जो वचन किए हुए हैं हमारे गुरुजी ने, ये जाएगा भी एक दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, लगातार लोग ये बयान दे रहे हैं कि गुरुजी ने समाज की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है, गर्ल्स के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने कभी भी यहाँ पे लड़कियों ने कुछ गलत होते हुए नहीं देखा है, वो यहाँ पे सेफ फील करती हैं। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।